इसलिए पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा जिक्र करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे इस कोर्स में हमने क्या पढ़ा है एक तो आज आपसे ये बात होगी और ये बहुत लंबी चौड़ी बात है और मुझे ये बहुत मुश्किल भी लग रहा है कि हाई एम गोइंग टू तो टॉक अबाउट फोर्टी फोर लेक्चर इन जस्ट वन लेक्चर और हमने ये देखना है कि कौन से की इशूज हैं जिनके बारे में हमने मुख्त में डिस्कशन की हैं लेकिन इसके अलावा आज मैं कुछ आपसे थोड़ी सी और बातें भी करना चाहूंगी क्योंकि ये हमारा आखिरी लेक्चर है तो समझ लें कि कुछ नसीहतें करना चाहूंगी आपको वैसे स्टूडेंट्स मुझे पता है कि ज्यादा नसीहतें पसंद नहीं करते लेकिन टीचर का फर्ज होता है कुछ नसीहतें भी करे और कुछ और आपसे बातें भी होंगी इसी सिलसिले में सो लेट्स फर्स्ट सी वट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर द प्रीवियस लेक्चर वॉज अबाउट डायग्नोसिस एंड असेसमेंट इन काउंसलिंग आई मैं

डायनोस्टिक क्राइटेरिया दूस वर्ल्ड वाइड इज डी एस एम फोर और फोर से पता चलता है कि जिसकी फोर्थ रिविजन है और ये नाइनटीन नाइनटी फोर में मंजरेआम पर आई थी द मेजर एडवांटेज ऑफ डी एस एम फोर इज दर्सन या फिर एक बीमारी का जब हम तशीस करते हैं डायग्नोसिस करते हैं तो इट रेट्स अ पर्सन ऑन फाइव पर्टिकुलर डायमेंशन या एक्सेस और उसका फायदा यह है कि यू कीप इन टू कंसिडरेशन नॉट ओनली दिमटम्स ऑफ द पर्सन लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि वट आर द इनवायरमेंटल फैक्टर्स एनी मेडिकल कंडीशन दैट कुटिंग द मेंटल इलनेस और उसके अलावा कुछ साइकोसोशल जो स्ट्रेसोर्स होते हैं इन्वायरमेंट में और इंसान की पर्सनल लाइफ में उनको भी कंसिडर करते हैं उसके बाद हमने ये बात की थी कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो काउंसलिंग में ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एंड इन दिस डायमेंशन वी टॉक्ट अबाउट नॉन स्टैंडर्डाइज एंड स्टैंडाइज टेस्ट फार एज नॉन स्टैंडर्डाइज आर कंसर्न टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन उसके बाद हमने सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र किया था सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स में हमने बात की थी क्वेश्चन की इंटरव्यूज की पर्सनल एसेज और ऑटोबायोग्राफीज की जर्नल्स की अहमियत इसलिए ज्यादा है ज रिलेटेड विद आर फीलिंग के बारे में अगेन सर्टन कैटेगरीज ऑफ टेस्ट और वो कौन कौन सी कटेगोरीज थी टॉक अबाउट अचीवमेंट टेस्ट और अचीवमेंट से मुराद ये है कि वट एवर यू हैव लर्न सो फॉर अब तक आप क्या कर सकते हैं आपकी अबिलिटी अब तक कितनी है And then we talked about aptitude, which is in fact predicting in future what you can do. And after that, we talked about personality tests. And personality tests, we talked interest inventories ka zikr kiya, attitude inventories. And after that, we talked about those kinds of personality tests which could be related with measurement of your adjustment and temperaments. And in that connection, we talked about objective and projective techniques. उट प्रसर जैसा कि मैंने कहा था आज हमारा जो मेजर एम्फेसिस है so 44 तो इन लेक्चर्स के आगाज में मैंने आपको ये बताया था कि हम अपने सारे कोर्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं उस वक़्त मैंने असेसमेंट जो है उसका एक सेपरेट सेक्शन रखा था लेकिन असेसमेंट चूंकि तमाम स्पेशलिटीज ऑफ काउंसलिंग में यूज होती है इसीलिए हमने उसके पार्ट के तौर पर ही उसको आखिर पर डिस्कस कर लिया था तो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर कोर्स लेट्स फर्स्ट सी दैट और यह आप पहले भी देख चुके हैं इससे कुछ मिलती जुलती कैटेगरीज और उसके बाद देखेंगे कि हर पार्ट के हवाले से हमने क्या क्या बातें की हैं क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं सो बेसिकली देर आर फोर सेक्शन ऑफ योर कोर्स The first one is about introduction to foundation and historical background of counseling. This the fundamentals of counseling we discussed. And then we also talked about an historical overview of counseling profession. Secondly, we talked about counseling process and methods. This counseling skills And counseling is actually session wise conduct. Kaise ki jati hai. The third section, which is very important one, is about counseling approaches. Inka review karte And the fourth one रिसेंट तो मेरा ख्याल है कि आपको वो याद होना चाहिए बाकी सारी कैटेगोरी पार्ट की इज एंडीज इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग और इसी सिस्टम में हमने फाइनली वी अबाउट डायग्नोसिस एंड असेसमेंट सबसे पहले पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू द फाउंडेशन ऑफ काउंसलिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ये सेक्शन शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले यह देखा था कि वॉट इज एक्चुअली काउंसलिंग काउंसलिंग इज वन ऑफ द हेल्पिंग प्रोफेशन और हमने काउंसलिंग की बहुत सारी डेफिनेशन डिस्कस की थी अभी मैं सिर्फ एक आपको डेफिनेशन दोबारा दिखाती हूँ जस्ट के आप थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए कि जो पहले पढ़ा था उसके साथ आपको कनेक्ट करना जरा इजी हो जाए सो हाउ डू वी डिफाइन काउंसलिंग काउंसलिंग इज इनफेक्ट एन इंटरेक्शन इन विच द काउंसलर ऑफर्स एन अदर पर्सन द टाइम अटेंशन एंड रिस्पेक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लोर डिस्कवर एंड क्लैरिफाइड वेविंग मोर रिसोर्सफुली एंड टू हिज आर हर ग्रेटर वेल बींग And that definition has been provided by British Association for Counseling in 1999. Now, in this definition, what are the things that are important or what are the important elements that you see? The biggest thing in this definition is that you will be empowering the client. And empowering the client in that way that the client will be able to use his or her potential. And existing resources to solve his own problems and to also to promote his well-being. So basically the purpose is that the client has a lot of capabilities and by using those capabilities, he will take his life on the right path. So counselors do believe that clients have this capability. That is why it is said that counseling is more pragmatic and positive than clinical psychology. एक और चीज जो पहले सेक्शन में हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड अदर टर्म्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अदर हेल्पिंग प्रोफेशन जैसे कि साइकोथेरेपी है गाइडेंस है और इवन जो आम हेल्पर के लिए वर्ड यूज होता है उससे क्या डिफरेंस है अब इसको दोबारा देखते हैं ऑब्वियसली आपने इसको पहले तो हमने एक पूरे लेक्चर में इसको स्टडी किया था बहुत डिटेल से लेकिन अब दोबारा इसके साथ कनेक्ट होते हैं कि वट डज दिस मीन काउंसलिंग की डेफिनेशन अभी आपने देखी यू आर एम्पावरिंग क्लाइंट टू यूज इज ओन पोटेंशियल हिज कैपेबिलिटीज टू सॉल्व इज ओन प्रॉब्लम एंड टू प्रोट हिज ग्रेटर वेलबींग अब वट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी हेल्पर एंड अ काउंसलर तो बात यह है कि एवरी हेल्पर नॉट बी अ काउंसलर क्योंकि काउंसलर इज अशल काइंड ऑफ हेल्पर स्किल्ड हेल्पर जिसको कह सकते हैं और हेल्पर जब हम एक वर्ड बोलते हैं तो एक्चुअली यू आर पुटिंग द रेसिपियंट ऑफ हेल्प रेसिपियंट ऑफ हेल्प यान अ डिपेंडेंट पोजिशन जबकि काउंसलिंग में काउंसलिंग इज डन विदर्सन नॉट फॉर द पर्सन सो ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दैट प्रोसेस ये जो थेटिक प्रोसेस है इसमें एक पार्टनर होता है क्लाइंट एक ऐसा शख्स नहीं होता जिसके लिए आप कुछ करते जा रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं करता क्योंकि उसने तो वो अपने पोटेंशियल को यूज करना है आपने सिर्फ उसे इसकी तरफ गाइड करना है एक और बात ये है कि वे यू आर पर्सन इज सेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो तो सिर्फ हेल्प ले रहा है किसी को दे नहीं रहा जबकि जो काउंसलर में काउंसलर जिस शख्स को हेल्प देता है काउंसलिंग प्रोफेशन में वो खुद इस काबल होता है कि वो अपनी हेल्प कर सके और फिर दूसरों की हेल्प कर सके So these are the differences between an ordinary helper or a professional counselor. So, ordinary helper, like friends, are or friends, or a close help they are not working according to some particular theoretical model, or do certain techniques. help that is just informal helping. So that is the difference between a counselor and a helper. difference what is the difference between a counselor and a person who provides guidance? गाइडेंस तो और काउंसलिंग में फर्क है इन गाइडेंस यू हेल्प अ पर्सन टू चूज सिलेक्शन करनी है जैसे कि कैरियर की सिलेक्शन है सब्जेक्ट की सिलेक्शन है और उसमें आप उसको बिहेवियर चेंज करने की इंडिकेशन नहीं देते वाइल्ड अ काउंसलर हेल्प यू टू चेंज योर बिहेवियर इफ इट इज मैन अडेप्टिव टू अडोप्ट अडेप्टिवेवियर और फिर ये भी बात है कि आपको आपकी इन जो परसेप्शन है इफ दे आर डिस्टोर्टेडो चेंज सो देंज इज एमसाइज इन काउंसलिंग अब तीसरी चीज जो है वो क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी दे आर इन फैक्ट अलॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफरेंसिस सिमिलैरिटीज ये है कि बोथ आर हेल्पिंग प्रोफेशन उनका प्रोसेस एक होता है जो थेप्यूटिक अप्रोचेस हैं वो मोरल लेस सेम आर डिफरेंट। अब डिफरेंस एक और चीज में है वो ये है कि क्लाइंट्स इन आर नॉट मेंटली इल एज सच वो दे कुड बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटीज लेकिन एज सच वो पेशेंट्स इस तरह से नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम स्वेयर इमोशनल प्रॉब्लम उसके बर्क दे कुछ सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं एक नई फैमिली में एंटर हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं डिप्रेशन और एंगजाइटीज भी हो सकती है यू कुड भी है लॉट ऑफ डिस्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम लेकिन आप इतने बीमार नहीं होतेड भी हॉस्पिटलाइज्ड सो बेसिकली काउंसलर जो है वो डील करता है आउट पेशेंट्स के साथ नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ जबकि साइकोथेरापिस्ट डील करता है इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स के साथ भी एक और डिफरेंस ये है कि इन काउंसलिंग द काउंसलर इज नॉट अथॉरिटी फिगर जबकि जैसे मैंने पहले कहा वो मिलकर काम करता है अपने क्लाइंट के साथ सो वर्किंग विद द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द क्लाइंट अब अगली चीज और जो हमने डिस्कस की थी ये पहले पार्ट में जो हम अपने कोर्स में पढ़ा वी टॉक्ट अबाउट हिस्टोरिकल ओवर ऑफ काउंसलिंग प्रोफेशन और एक तो हमने प्रिमेटिव टाइम का जिक्र किया था उनका तो मैं यहाँ पे दोबारा जिक्र नहीं करती द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वॉज द डेवलपमेंट अकर्ड इन सेंचुरी अब चार चीजों का उस सिलसिले में हमने जिक्र किया था वन वॉज वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट और वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट के बारे में कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में भी बात हुई थी कि वॉट वी कॉल कैरियर काउंसलिंग टूडे वॉज रेफर टू एज वोकेशनल गाइडेंस एट दैट टाइम और वोकेट

उसके अलावा हमने और भी बहुत से लोगों का जिक्र किया जिनका वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट में काफी इम्पोर्टेंट रोल है जिनका ऑब्वियसली अब तमाम का जिक्र यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो जब भी मैं बात करूंगी तो आई विल बी टॉकिंग इन रेफरेंस टू सम की आर इम्पोर्टेंट फिगर इन रिलेशन टू एनी दैट वी आर गोइंग ओवर व्यू नाउ अगली एक और चीज जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू में इम्पोर्टेंट है दैट वॉज मेंटल हेल्थ मूवमेंट दैट वॉज मेनलीफर्ड बेयर्स

टल मूवमेंट जो होती है मेंटल हेल्थ मूवमेंट उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो थे वो इसके साथ मिलते चले गए और उसे फिर फर्दर डेवलपमेंट हमें प्रोफेशन में नजर आती है दर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड विदेवलमेंट ऑफ काउंसलिंग प्रोफेशन इज स्टैंडाइज टेस्टिंग ए मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन दट कुड टू स्टैंडाइज टेस्टिंग जो हमें नजर आती है वो वर्ल्ड वॉर के दौरान और बाद में नजर आती है तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद कुछ टेस्ट बने और टेस्ट की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी बिकॉज पीपल एट वो लोग भी जो जंग में ब्राह रास्त शामिल थे और वो लोग भी जो जस्ट सुन रहे थे हॉलोकॉस्ट के बारे में और जंग के बारे में मुख्तिक न्यूज ऑब्वियसली उन लोगों को भी कर रही थी पीपलटेड बाई दे आर वेरी तो उनकी मेंटल हेल्थ को दोबारा प्रमोट करने के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरत थी कि बहुत सारे काउंसिलर्स या क्लिनिकलॉजिस्ट हों एंडलाइजिकल टेस्ट्रेस और उस जमाने में हमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी देखने को मिलते हैं जो बहुत सारे नए बने द इम्पोर्टेंट वर आर्मी एल्फा एंड आर्मी बीटा दिज व्रुप टेस्ट और ग्रुप टेस्ट की जरूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सारे लोग जब आपके पास बीमार होंगे डिस्ट्रेस्ड होंगे तो आप इनको वन टू वन रिलेशनशिप तो नहीं दे सकते so, the, time, trained, time, ताकि लोगों की डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम और जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके मेयर किया जा सके स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का आगाज इस दौर में होता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद कुछ टेस्ट बने और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस पर बहुत बूम आ गया And at that time, Kettle also made a psychological corporation which used to sell psychological tests for research and training purpose. the fourth element nazar aata hai in the development of counseling profession is also related with whatever was happening before, and that is licensure and legislation. When there is a lot of practice of some profession, so legislation ki hai because there is a need that

साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके एट दाइम अलॉट ऑफ ग्रांस वो दोट ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी और पर्पस वॉज टू क्रिएट मोर एंड मोर पीपल हु इन मेंटल हेल्थ सेक्टर विच कुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेस टू करंट एंड फ्यूचर क्लाइंट एंड पेशेंट और हमें ये भी नजर आता है उस दौर में कि बहुत सारी जो सेपरेट डिविजन्स थी ए पी ए के अंदर पैदा हो गई

और उसका ये नुकसान है कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो देर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन एंड लाइसेंसर ऑफ अ काउंसलर अब इसके बाद जो टॉपिक हमने पहले पार्ट में पढ़ा था दैट वॉज रिलेटेड अगेन विद लेजिस्लेशन एंड दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एथिकल इश्यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग कोई भी प्रोफेशन जब तरक्की कर जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एथिकल कंसिड्रेशन जो है वो हाईलाइट कर दी जाएं। अगर वो ना हो तो लोग उसको बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं बहुत उसके रूल्स को वायलेट करना शुरू कर देते हैं और पहले रूल्स बने होंगे तो हमें पता होगा कि सम बॉडीज वायलेटिंग आर नॉट अब पाकिस्तान में आप देखिए वी डू नॉट है लेबरेट टिव हैंडबुक कोई हमारे पास नहीं है कोई ऐसी प्रोफेशनल बॉडी नहीं है विच टेल अस दैट दीज आर एथिकल गाइडलाइंस दैट वी शेल फॉलो ऑब्वियसली हम जो एथिकल गाइडलाइंस वेस्ट ने प्रोवाइड की है उनको फॉलो तो करते हैं लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए कोई प्रोफेशनल बॉडी यहाँ पर नहीं है इसीलिए हमें बहुत सारी वायलेशन पाकिस्तान में नजर आती है इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी बल्कि यह कहना चाहिए कि काउंसलिंग की ट्रेनिंग के लिए तो खासतौर पर कोई एजुकेशन ही पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और इसकी बहुत जरूरत है कि इन ग्राउंड्स पर काम किया जाए सो एज फार एज एथिकल इशूज आर कंसर्न डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इशूज वो क्या क्या हैं? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि वट आर क्लाइंट्स राइट्स। क्लाइंट के राइट right बहुत सारे हैं और उनको आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि उनको आप वायलेट ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट से मुराद ये है किसीजर्स एंड द पर स्टडी फिर आप उनकी कॉन्सेंट लें इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू कि आप जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन आपको हासिल होती है यू कीप इट कॉन्फिडेंशियल बट द इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज रेलिटिव नॉट एब्सोल्यूट यानी कॉन्फिडेंशियलिटी हर हालत में मेंटेन नहीं रखी जा सकती कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें काउंसलिंग में आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रख सकते इसका हमने बड़ा थॉरली जिक्र किया था जैसे कि अगर क्लाइंट की वजह से किसी और को खतरा है और कोई थर्ड पार्टी इनोसेंट पार्टी इज जरूरी होता है कि हम वो चीज किसी के नॉलेज में लाएं चाहे किसी प्रोफेशनल बॉडी के चाहे पेरेंट्स के या फिर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है उन तक वो बात पहुंचा दी जाए सो दैट अप्रोप्रियट एक्शन आर टेकन एट अप्रोप्रियट टाइम एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज रिलेटेड विद योर एडवर्टीजमेंट एट योर क्रेडेंशियल ये बड़ा जरूरी है कि आप इसमें ऑनेस्टली काम करें और वर्क विद इंटीग्रेटी एंड ऑनेस्टी वट एवर योर क्रेडेंशियल आर You should be very realistic and honest about them, लोगों को अपनी जो तालीम है जो एक्सपीरियंस है, है एक तो उसके मुताबिक ही काम करें उससे आगे जाकर काम ना करें अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहें और दूसरी बात यह है कि लोगों को फिर अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में रियलिस्टिकली बताए बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान में हमें नजर आती है साइकोथेरापिस्ट हिप्नोथेरापिस्ट एंड सो ऑन वाइल्ड पीपल डू नॉट है

और ये रिलेशनशिप तभी मेंटेन रह सकता है द द द काउंसलर काउंसलर इज इफेक्टिव हाउ टू मेंटेन एन एम्पैथिक एंड गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट अभी सिलसिले में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया था जो कि रॉजर्स के ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है बल्कि रॉजर्स तो ये कहता है कि अगर काउंसलर जो है उसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं हुई हुई अगर वो इन तीन चीजों का ख्याल रखे तो द थेरेपी कुड बी वेरी सक्सेसफुल

और इसके बारे में मैंने एक आपको कोटेशन भी सुनाई थी कि एज इफ वॉकिंग इन एल्स मुकेशन आप इस तरह से वॉक करते हैं जैसे आप दूसरे मुकेशन में भी ऐसे ही वॉक करते हैं जैसे कि वो शख्स वॉक करता है जो कि वैसे एक बड़ा मुश्किल काम है अगर आप सोचें कि उसको ईडियम इडियोमेटिकली ना देखें और वैसे उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में एम्फसिस बहुत दिया है और uh, रॉजर्स के अलावा भी और भी बहुत से लोगों ने इसको एम्फेसाइज किया है दैट इज अनकंडीशन पॉजिटिव रिकार्ड फॉर द क्लाइंट सो यू आर प्रोवाइडिंग रेस्पेक्ट एक्सेप्टेंस टू योर क्लाइंट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ हिज वैल्यू सिस्टम और उसके नजरियात आपसे चाहे कितने भी फर्क हैं यू आर रेस्पेक्टिंग एज अ पर्सन इट मीन कि आपने अपने क्लाइंट से डिसएग्री नहीं करना यू कैन स्टिल डिसएग्री विद ऑल ऑफ द इश्यूज एंड थिंग्स द क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट लेकिन यू एक्सेप्ट हिम एज अ पर्सन और उसके ख्यालात चाहे कितने भी बुरे हैं आप उसको एज अ पर्सन कॉन्डेम नहीं करते यू डू नॉट जनरलाइज हिज आर हर लिमिटेशन टू हिस्स होल पर्सनैलिटी और ये रिश्तेदारों के रिगार्ड से डिफरेंट होता है बिकॉज दैट इज अनकंडीशन दैट इज विदाउट एनी कंडीशन आप ये नहीं कहते कि मैं आपसे इसलिए प्यार करता हूं कि आप में अच्छी खसाइस है मैं आपको इसलिए रिस्पेक्ट देता हूं चूंकि आप एक मशहूर आदमी है इट्स नॉट लाइक दैट इट्स जस्ट यू एक्सेप्ट हिम एज अग उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस इज दैट देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन काउंसलर्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड ये नहीं है कि जैसा वो अंदर से है वो आपको और बनकर मिल रहा है उसमें हम आगी होनी चाहिए उसकी अपनी पर्सनैलिटी में और कॉन्ग्र रवैये में भी होना चाहिए जैसे कि अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है तो उसके रवैये से भी पता चलना चाहिए ये नहीं कि आपको लगे कि ये मुझे बस बर्दाश्त ही कर रहा है सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट three dimensions which could be called the core conditions of counseling. But Lava Kucho other things ringheading I will briefly ziker karungi go in three conditions katatula sa lamba zikar because they are considered very important. What are the other things? For example, motives, values and emotions of counsellor are very important. These motives can be beneficial and at the same time they could be negative also. बेनिफिशियल मोटिव कौन कौन से हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दर्सन इज अडोटिंग और ये भी हो सकता है एक और चीज जो कि हम बेनिफिशियल मोटिवे जिसको शुमार करेंगे वो ये है कि इफ द पर्सन हैज सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम या उसने अपने अनफिनिश्ड बिजनेसिस जो है उनको अंडरस्टैंड कर लिया हो उनको सोल्व कर लिया हो तो so, ये दैट इज ऑल्सो अ गुड मोटिव टू एंटर इन टू थेरेपी बिकॉज दैट पर्सन कूड हेल्प अदर पीपल लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव मोटिव है जिसका थेरेपी में फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है ऑब्वियसली इसकी डिटेल आप पहले पढ़ चुके हैं तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अब जब हमने इफेक्टिव काउंसलर की बात की तो एक तो चीज ये है कि द पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर जो कि उसके साथ साथ चलती है कैसे तो क्लाइंट के साथ डील करता है और कैसे वो डिफरेंट थ्रेटिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है उसके साथ और फिर उसके साथ थेरेपी का आउटकम क्या होता है अब दूसरी चीज एक और जो इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द काउंसलर इज द डेली वर्ल्ड ऑफ द काउंसलर अब डेली वर्ल्ड ऑफ द काउंसलर से क्या मुराद है हमारे काम में हमारी सिचुएशन में एनवायरमेंट में देर सो मेनी थिंग्स विच आर एनजाइटी प्रोवोकिंग और विच कूड बी कॉल्ड डेली स्ट्रेसॉस वो स्ट्रेसोर्स जो हैं वो भी काउंसलर जो है उसकी जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं और उसका जो रिलेशनशिप है और जो डीलिंग है क्लाइंट के साथ उन पर भी उसका खासा असर होता है अब काउंसलर का क्या काम है ही शुड बी अवेयर ऑफ दो प्रॉब्लम्स एंड ही शुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अगर खुद नहीं तो ही कुड गेट काउंसलिंग फ्रॉम सम अदर प्रोफेशनल एक और चीज जो हमने इसी सिलसिले में डिस्कस की थी डेट वॉज द मल्टी डायमेंशनल हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि द काउंसलर शुड नॉट हैव नेगेटिव इमोशंस एंड शुड नॉट हैव एनजाइटीज इंसिक्योरिटीज उसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें पॉजिटिव खसाइस भी हों और पॉजिटिव खसाइस से मुराद क्या है सेवरल थ्यूरिस्ट हैबाउट दैट फॉर एग्जाम्पल सेलिवन फ्राम रॉजर्स एंड यूंग सिमिलरली हमें मेस्लो की थ्यूरी जो है वो उस सिलसिले में हमें नजर आती है कि देर आर समिटिडिकेशन बींगर काउंसलिंग प्रैक्टिस और वो क्या क्या चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ फ्रीडम अटोनमी बेसिक सेल्फ इस्टीम लव फॉर सेल्फ लव फॉर लाइफ एंड अदर्स ये चीजें जो है वो आपकी वेलबींग well को उजागर करती हैं और मैंने शायद पहले आपसे जिक्र किया था कि जब WHO मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं जब वो तो मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन दैट यू आर फ्री फ्रॉम इलनेस और डिसऑर्डर्स मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि यू आल्सो हैव अ डीप सेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेल तो मेंटली हेल्थी होने के लिए आप में कुछ पॉजिटिव खसाइस भी होनी चाहिए इट्स नॉट ओनली It is not enough that you are free from psychological disorders. So, effective counselor consa hota hai, jisme kuch uski personality characteristics jo hai wo counseling profession ke congruent ho. And then he should be congruent in his personality and his attitude and behavior. He should be able to develop an empathic attitude and relationship with the client. And he should be able to give unconditioned positive regard to the client. उसको अपनी डेली वर्ल्ड को मॉनिटर मौन, करना पड़ता है सो दैट ही डज नॉट बिकम द टारगेट ऑफ बर्न आउट बर्न आउट के सिमटम्स हमने तफसील से डिस्कस की थी एक दो का दोबारा जिक्र करती हूँ जैसे कि काम पे जाने को दिल न करना चिड़चिड़ापन स्केप कोटिंग आपको गुस्सा अपनी ज़्यादातर है अपने मसाइल पर है और आप किसी और को डांट रहे हैं तो इस तरह के मसाइल जो है वो हमें नजर आते हैं काम से छुट्टियां इस तरह की फिजिकल सिम्टम्स जिसम का टूटना घबराहट वगैरा सो दीज आर सिमटम्स ऑफ वर्न आउट और जब इस तरह के सिमटम्स हो तो काउंसिलर को तो देनी चाहिए सो so देट उसकी इफेक्टिविटी जो है वो मुतासर ना हो दार्ट एंड रिलेटेड विद काउंसलिंग प्रोसेस एंड मैथ काउंसलिंग तो बेसिकली कायम ही इस चीज पर है कि ये प्रोसेस कैसे कायम किया जाता है कैसे इसको जो है उसमें काउंसलर जो है वो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है So what we have studied in this particular part, let's see that. We actually talked in detail about micro skills that are used in counselling or micro skills kya hain? They are observable actions of counsellors and therapists that appear to affect positive change in the session. Now micro skills kaun si hain, jin ke baare mein counsellor ko pata hona chahiye and he should be properly trained to demonstrate these skills. Number one are attending skills, secondly listening and understanding skills, third are influencing skills, then focus and selective attention, and the fifth and last one are confrontation and challenging skills. Attending skills may have the importance just non-verbal communication. And it shows that you are attending the client from your non-verbal gestures, from your behavior, from your movement you show to the client. अर फॉर द क्लाइंट एंड यू आर लिस्निंग अटेंटिवली अब आप सुन रहे हैं किसी की बात तो से तो उसको अटेंटिवली कैसे शो किया जा सकता है आपके जस्टस से आपकी बॉडी मूवमेंट से आपके जो साथ आप प्रॉम्पस देते हैं जरूरी नहीं कि आप पूरा जुमला बोले बल्कि जस्ट टू शो दैट यू आर विद द क्लाइंट देअर आप साथ थोड़े थोड़े प्रॉम्प्स देते हैं और उसके साथ आपकी आंख का जो कॉन्टेक्ट है आपके क्लाइंट के साथ वो भी बताता है you are there or आप कुछ और चीज सोच रहे हैं अब इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस की वो कौन कौन सी थी बॉडी लैंग्वेज एंड मूवमेंट और मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र आया था वो था टच और टच इज अ वेरी टची सब्जेक्ट क्योंकि इसमें क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेज हैं और काउंसलर को इसका ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट को उसके जेंडर और सोशल क्लास और एजुकेशन के लिहाज से कितना टच करना चाहिए और कितना भी रखना चाहिए उसके साथ एंड अदर इम्पोर्टेंट पैरालिंगल स्पेस एंड टाइमिंग आर इम्पोर्टेंट फिजिकल स्पेस यानी कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपके और क्लाइंट के दरमियान उसको किधर बैठना चाहिए और आपको कहा बैठना चाहिए इसका आगे चल के भी जिक्र आएगा और उसके अलावा टाइमिंग का ख्याल रखना कि क्लाइंट जो है वो अगर टाइम पे आता है या नहीं टाइम पे आता तो फिर आप उसका नोटिस लें सो दैट क्लाइंट इज अवेयर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ काउंसलिंग और फिर टाइमिंग में ये भी चीज इम्पोर्टेंट है कि कौन किस वक्त बोलेगा पहले कौन बोलेगा उसकी एंडिंग वगैरह कैसी होगी अब लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है उसकी बात करते हैं और मेरे ख्याल में अटेंडिंग स्किल्स के बाद ऑब्वियसली अटेंडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट टेंट क्योंकि इससे क्लाइंट को यह पता चलता है कि आप उसको कितना समझ सके है। और इनको बड़ा जो है वो यूज करना पड़ता है क्या क्या लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हमने डिस्कस की थी फर्स्ट वन इज यू प्रोजेस एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस आप किसी शख्स को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसके सिलसिले में बहुत से बैरियर्स होते हैं और जरूरत ये होती है कि उन बैरियर्स को आप क्रॉस करें और अगर अब नहीं याद आ रहा तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इस क्लास के बाद प्लीज गो थ्रू दैट तो सेक्शन और देखें कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि इस एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के रास्ते में हायल होते हैं देन द सेकेंड स्किल इज ट्यून इन टू द्लाइंट इंटरनल व्यू पॉइंट फॉर्दर देन थिंकिंग फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू पॉइंट और अपने व्यू पॉइंट की बजाय यू ट्राई टू थिंक फ्रॉम इंटरनल व्यू पॉइंट ऑफ द क्लाइंट और इसका ताल्लुक दोबारा जो है वो एम्पथी के साथ मिलता है remarks, question, अब ये सारों की ना पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ रिमार्क्स होते हैं जब आप किसी को वेलकम कहते हैं सेशन का आगाज करते हैं वो अच्छे तरीके से होना चाहिए पैराफ्रेजिंग होती है कि सिमिलर वर्ड्स में या मिलते जुलते वर्ड्स में आप जो क्लाइंट कह रहा है उसको दोबारा बयान कर देते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि यू आर नॉट रिपीटिंग दर्ड्स आर जस्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बल्कि आप जो अंडरलाइंग एफेक्ट है फीलिंग है उसको पेश करते हैं क्लाइंट के सामने

आप ये कहते हैं इट सीन्स दैट यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट आप अंडरलाइन फीलिंग जो है उनको उजागर करते हैं क्लाइंट के सामने क्लाइंट इज एबल टू अंडरस्टैंड हिम सेल्फ और हर सेल्फ और सेमराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सेमराइजेशन जो है इज रिलेटेड विद डिफरेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन और सेशन ये भी हो सकता है कि आप एक सेशन में मुख्तलिफ जगहों पर समराइज करते हैं वट एवर वी है क्लाइंट और काउंसलर डिस्कस कर चुके होते हैं और उसका पर्पज ये होता है कि क्लाइंट को कुछ क्लैरिटी मिल जाए और आगे फिर वो चलने के काबल हो सके और यह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ से बाद भी समराइज करें कि इन डिफरेंट सेशन सो फॉर वी हैव डिस्कस सो एंड सो जैसे कि आज हम समराइज कर रहे हैं अपने प्रिवियस फोर्टी फोर लेक्चर को एक और चीज जो इस सिलसिले में अहम है वो है कि Is there any basic listening sequence? तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आपको जब भी जरूरत हो आप जिस मर्जी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये देखा गया है कि आमतौर पर पहले ओपन क्वेश्चंस और उसके बाद जो है वो ओपनिंग रिमार्क्स हैं और क्लोज्ड क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आप पैराफ्रेजिंग करते हैं रिफ्लेक्शन करते हैं और फिर एंड पे सेमराइजिंग करते हैं तो जनरली ये सीक्वेंस देखने में आया है द अदर स्किल्स आर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स कौन सी हैं उनके नाम देखते हैं दोबारा इंटरप्रिटेशन और रिफ्रेमिंग ऑफ वट एवर क्लाइंट इज और थिंकिंग देन डायरेक्टिवनेस एडवाइस इंफॉर्मेशन सेल्फ डिस्कलोजर फीडबैक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस एंड इन्फ्लुएंसिंग समरी अब आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स यू यूज सेल्फ डिस्कलोजर ये भी पॉसिबल है कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट के साथ जो क्लाइंट बता रहा है अपने बारे में अपने बारे में भी कुछ बताए और उससे बाजा बहुत फायदा होता है बिकॉज द क्लाइंट थिंक्स दैट द काउंसलर इज ऑल्सो अयूमन बींग लाइक हिमर हथ उसके भी वही प्रॉब्लम है जिस तरह से क्लाइंट के प्रॉब्लम है वो कोई ऐसी सुपर नेचुरल या कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है और उससे क्या होता है कि एक एम्पथी का रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश होता है और यू डिवेलप ट्रस्ट इन योर काउंसलर उसके अलावा और भी जैसे अब हमने जो इसके मैंने अभी नाम लिए यू कुड बी डायरेक्टिव आल्सो और इस सिलसिले में हमें यह नजर आता है किल्स जो हैं वो डिफरेंट थोरेटिकल पैराडाइम्स में डिफरेंट तरीके से यूज होती जैसे कि जो साइको डायनामिक काउंसलर है ही विल बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन स्किल्स लेकिन एक क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेगा

री फ्रिक्वेंटली इसके अलावा जो अगली स्किल्स है वह फोकस्ड एंड सिलेक्टिव अटेंशन फोकस्ड और सिलेक्टिव अटेंशन में आगे से दो चीजों का जिक्र था एक तो यह है कि इनिशियल फोकस किस चीज पर है और उसके बाद आप सारी चीजों में से एक इंपॉर्टेंट प्वाइंट चुन लेते हैं और उस पर आप फोकस करते हैं और उस पर मजीद एलेपोरेशन करते हैं अब जो इनिशियल फोकस है दैट कुड बी ऑन वन ऑफ द सेवरल डायमेंशन लाइक इनिशियल फोकस कुड बी ऑन द क्लाइंट कुड बी ऑन फैमिली बी बी ऑन ऑन अदर्स द प्रॉब्लम और थीम इसके अलावा वी फोकस भी हो सकता है मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं काउंसलर और क्लाइंट यह भी हो सकता है कि द फोकस शेल बी ऑन द काउंसलर पॉइंट ऑफ व्यू जो काउंसलर को लग रहा है कि इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए वो कहता है कि लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस इशू तो फोकस जो है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है प्रॉब्लम कैसा है लेकिन यूजुअली काउंसलिंग का आगाज जो है वो क्लाइंट फोकस से किया जाता है द फाइनल स्किल्स आर चैलेंजिंग स्किल्स और चैलेंजिंग स्किल्स जो है वो भी काउंसलिंग अप्रोचे के मुताबिक उनमें वेरिएशन आती है जैसे कि बिहेवियल काउंसलर जो है वो चैलेंज करेगा या जो है वो काफी ज्यादा आपके कोग्निशंस को आपके इर्रेशनल बिलीफ को चैलेंज करेगा और करेगा। और एज कंपेयर टू दैट इन क्लाइंट काउंसलिंग अप्रोच कन्फ्रटेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं की जाती और बेसिक एम्फेसिस जो है वो लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पर होता है सो वट आर चैलेंजिंग स्किल्स स्पीक फॉर देम यू आस्क द क्लाइंट दैट यू शुड दे शुड स्पीक

यानी कि आपको दो तरह के मैसेज नजर आते हैं तो आप कहते हैं कि भाई इसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं देन यू चैलेंज पॉसिबल डिस्टोर्शन रियलिटी एंड देन यू पॉइंट आउट इफ द क्लाइंट इज नॉट एक्नोलॉजिंग वो कहता है कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता था तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं कि द चॉइस वॉज देयर लेकिन आपने वो चॉइस पर रीफ्रेम

ये नहीं है कि आप एकदम से चैलेंज करना शुरू कर दें अपने क्लाइंट को कंफर्म करना शुरू कर दें कि वो गुस्से में आ जाए चैलेंजिंग जब आप करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट अगर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है एंड द क्लाइंट परसीज यू एज अ ट्रस्ट पर्सन हु इज केयरिंग एंड हुनेस्ट इन हिज डीलिंग विद द क्लाइंट तो उसके बाद अगर आप चैलेंज करेंगे देन इट वुड है डिफरेंट इम्पैक्ट

टेकन आर नॉट बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काउंसलिंग रिसर्च और उसके बाद जो है वो आप क्लाइंट को पूरी तरह अपने बारे में बताते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके बाद, उसमें उसको ब्रीफ आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा कैसे और उसके आउटकम्स क्या होंगे अन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियेटिव हु इज टेकिंग द इनिशिएटिव इज इट क्लाइंट आर काउंसलर और उसके बाद जो है वो आपको ये कई दफा सामना करना पड़ता है रेजिस्टेंट और रिलेक्टेंट क्लाइंट्स का उनसे कैसे डील करना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेटिंग फिजिकल सेटिंग कमरा कैसा होना चाहिए जहां पे काउंसलिंग हो रही है फिजिकल सेटिंग कैसे होनी चाहिए टेबल उसके दरमियान होनी चाहिए क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान टेबल बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए कुर्सियों की पोजिशन क्या होनी चाहिए एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट अनदर अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज क्लाइंट एंड काउंसलर क्वालिटीज आमतौर पर ये देखा गया है कि those clients आर जनरली एक्सेप्टेड इफ दे आर यंग सक्सेसफुल इंटेलिजेंट एंड वर्बल उसके बजाय जो है वो ये देखा गया है कि ओल्ड disadvantage पीपल और जो होमली किस्म के क्लाइंट्स हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है गुड इंडिकेशन और अगर काउंसलर की क्वालिटीज देखें तो काउंसलर हु इज ट्रस्ट वर्दी हु इज केयरिंग हु इज कॉन्ग्रुएंट एंड हु इज अप्रोप्रियटली सेल्फ डिस्कलोजिंग दे आर क्वाइट पॉपुलर एंड देन देर कुड भी डिफरेंट फेजिस ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यूज एक इनिशियल फेज होती है इनिशियल फेज में आप कोशिश करते हैं रेपो एस्टेब्लिश करें उसके अलावा जो है आपको इनिशियल फेज में रेजिस्टेंट क्लाइंट्स मिलते हैं और आपने उनकी रेजिस्टेंस अप्रोप्रियट मैथड्स के जरिए दूर करनी होती है देन देर इज द मिडल एंड सेकेंड फेज जिसको आप एक्शन फेज भी कह सकते हैं एक्शन फेज में आप अंडरस्टैंडिंग चैलेंजिंग कन्फ्रेंटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और अटेंडिंग और काउंसलिंग की जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है वो तो खैर आप शुरू से यूज कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर एक्शन फेज में आप ज्यादातर जो है वो पिछली स्किल्स को साथ लेकर चलते हैं लेकिन चैलेंजिंग और उसके साथ इन्फ्लुसिंग स्किल्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है वो लास्ट सेशन है दैट इज द टर्मिनेशन सेशन और टर्मिनेशन सेशन जरूरी नहीं कि एक सेशन हो वो कुछ सेशन भी हो सकते हैं और यूजली कहा जाता है कि ये कुछ ऑफ द टाइम कैन बी डिवोटेड टू टर्मिनेशन और उसके इश्यूज की तरफ क्योंकि एकदम आप अप्रप्टली टर्मिनेट करते हैं अपना काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस तो देट कूड है वेरी बैड इफेक्ट ऑन द क्लाइंट आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ये रिलेशनशिप जो इतनी देर कायम रहने के बाद टूटेगा या बाजुकात आप बाद में उसको फिर बुलाते हैं फॉलो अप करते हैं लेकिन चाहे वक्ती तौर पर या मुस्तकिल जब एक रिलेशनशिप टूट रहा है दैट कुड सम टाइम बी वेरी ट्रामेटिक फॉर द क्लाइंट तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए तैयार करते हैं और स्मूथली टर्मिनेशन का प्रोसेस होना चाहिए रॉदर देन एड्रपटली द थर्ड पार्ट इज काउंसलिंग अप्रोचेस काउंसलिंग अप्रोचेस में हमने अगेन सर्टन कैटेगोरीज ऑफ अप्रोचेस डिस्कस की थी द फर्स्ट वन वॉज साइको अप्रोच और उसमें हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस को डिस्कस किया था अब दूसरी अप्रोचेस जो है वो है अफेक्टिव अप्रोचेस बिहेवियल अप्रोचे कोगनेटिव अप्रोचे, अप्रोचेस लेकिन आप ये देखते हैं कि साइको एनालिसिस को एक अलग मुकाम हासिल है क्योंकि तमाम किस्म की थेरेपीज चाहे वो एक काउंसलर यूज करता है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज करता है दे ऑल सीम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस बाद में ये एक और बात है कि साइको एनालिसिस और पर्टिकुलरली

ती रहती है एंड दे आर मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट का बारू फ्राइडियन हैल्फर्ड एडलर यूंग और उसके अलावा हमने सलेवन को भी डिस्कस किया था दीज पीपल डो नॉट एग्री ऑन अ फ्यू कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाई सेग्जाम्पल द इश्यूज ऑफ सेक्स एंड अग्रेसिव इंस्टिंग उसके बजाय वो इस चीज को एम्फोसाइज करते हैं कि सोशल एस्पेक्ट जो है उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है जिसको फ्राइड ने नजरअंदाज किया है मोर ओवर दे डू नॉट लाइक टू स्टे ऑलवेज इन दास्ट और विच इज मेकिंग साइकोनालिस अप्रोच क्योंकि उससे फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है का, कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू ग्रो फर्दर अगर उनके पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंसिस हैं एज फार एज एफेक्टिव अप्रोचेज आर कंसर्ड फेक्टिव अप्रोचेस में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन सी अप्रोचेस है जो एफेक्टिव अप्रोचेस के जुमरे में आती है पहली बात तो यह है कि एफेक्टिव अप्रोच एक्चुअली कंसेंट्रेट ऑन फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द क्लाइंट और इसमें हमने गेस्ट्रोल्ट थेरेपी का जिक्र किया क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच का भी जिक्र आया एग्जिस्टेंशियल अप्रोचेस को भी हमने थर्ली डिस्कस किया और इन सब में जो हमें चीज मुश्तरिक नजर आती है दैट इज

स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टोचेस का जिक्र किया था जैसे कि बैक्स कागनेटिव थेरेपी इसके अलावा जो है वो रेशनल इमोटिव थेरेपी ऑफ एलबर्ट एलस और कुछ हमने बिहेवियरल अप्रोचेस का जिक्र किया था और बिहेवियरल अप्रोचेस में हमने स्किनर की बात की देन हम देट बंडोरा सोशल लर्निंग अप्रोच और हमने ये भी डिस्कस किया कि बेसिकली बिहेवियल अप्रोचेज कंसेंट्रेट ऑन This aspect that all kind of behavior, whether it is normal or abnormal, is learned. So, this is unlearned karna hai learning principles In words, we general or special techniques As far as cognitive approaches are concerned, they maintain that the relationship between outcome and consequences of events is more important if you consider it.

And as far as specialities in the practice of counselling are concerned, first of all we talked about groups. Or groups may marathon groups ka zikur kiya, T groups ki bad ki thi. Kuch traditional or historical groups ki bad ki thi. Aur uske ilawa psychodrama, which is a very important group approach, uska taf zikr kiya tha. Uske baad humne baat ki thi marriage or family counselling Marriage or family counselling ko different factors ne influence kiya hai. for example. वेन ग्रुप वर्क वॉज एम्फेसाइज तो फिर मैरिज और फैमिली काउंसिलिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा और उसके अलावा अफ्यू मोर इम्पोर्टेंट रिसर्चेज पेशेंट हुनिया इन सम फैमिली तो उस फैमिली का कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल फैमिलीज से तो उससे इस चीज की तरफ ध्यान दिया गया कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी लुक एट दम्युनिकेशन लेवल ऑफ फैमिलीज इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड साइकोपेथोलॉजी तो फैमिली और मैरिज काउंसलिंग में हमने फिर बहुत से अप्रोचेस का जिक्र भी किया था और अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर प्रीवियस लेक्चर्स एंड सी वी हैव वीड इन मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग उसके बाद हमने कैरियर काउंसलिंग की बात की और कैरियर काउंसलिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग वेन अ पर्सन हैज टू चूज अ प्रोफेशन या फिर कैरियर का सिलेक्शन करनी है बल्कि कैरियर काउंसलिंग इज रिलेटेड एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल उसके बाद हमने कम्युनिटी काउंसलिंग और कंसल्टिंग के बारे में बात की थी और कम्युनिटी काउंसलिंग में हमने रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग सब्सटेंस यूज काउंसलिंग डिजास्टर काउंसलिंग और क्लाइंट एडवोकेसी की बात की और उसके अलावा कुछ और चीजों का भी जिक्र आया था एंड फाइनली वी रिलेटेड ऑल दीज स्पेश कई चीजों की हो सकती है

अपने हैंड देख सकते हैं जहां से भी कोई प्रॉब्लम हो उसको दोबारा स्टडी कर सकते हैं अब जबकि ये लेक्चर्स खत्म हो गए हैं आपका कोर्स खत्म हो गया है तो मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें जो हैं वो कहना चाहूंगी वो ये है कि आप अपने लेक्चर्स को गौर से सुने ध्यान से हर पॉइंट पर नजर डालें और हैंड आउट्स जो हैं उसमें बड़ी एक वैल्यूएबल सोर्स है उसको तो से पढ़ें और अब ये तो है कोर्स कॉन्टेंट की बात और एकेडेमिक्स की बात लेकिन काउंसलिंग को जब हम स्टडी करते हैं इट इज नॉट जस्ट एन सब्जेक्ट, इट इज मच मोर देन दैट इन द बिगनिंग ऑफ दीज लेक्चर्स, आई टोल्ड यू दैट यू यूज़ काउंसलिंग फॉर एनहेंसिंग योर पर्सनैलिटी फॉर इंक्रीजिंग एंड एनहेंसिंग योर कम्युनिकेशन विद अदर पीपल आप एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर आप ये सीख लें कि हाउ टू तो बिकम अ गुड लिसनर तो आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आजकल के जमाने में तो कोई तवज्जो से बात ही नहीं सुनता तो अगर आप ये काउंसलिंग की टेक्निक्स को अच्छी तरह समझें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो उसके दो फायदे होंगे एक तो आप अपने आप को समझने के काबल होंगे दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और तीसरा फायदा ये होगा कि आप इस सारे कॉन्टेंट को भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे क्योंकि जब तक किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती उसकी थ्योरी को भी नहीं समझा जाता